डायरेक्टर मोहम्मद शफीक, आयुष सारा पाइल्स एवं पंचकर्मा सेंटर, सेकंड फ्लोर खान प्लाजा अपोजिट होंडा शोरूम, रिंग रोड, लखनऊ। समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे यहाँ पाइल्स फिशर फिशुला, पॉली पिपली, थ्रोम्बोज, हिमेटोमा का छारसूत्रा व लेज़र द्वारा अनुभवी डॉक्टरों से के द्वारा सफल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और मैं 8 साल से ये इलाज कर रहा हूँ और इसमें 100% कामयाबी है। लोगों को कहना है कि पायल सही नहीं होता है, लेकिन अगर सही समय पे सही डॉक्टर के पास आप पहुँच गए 100% कामयाबी है। और हमारे साथ डॉक्टर फरहीन खान भी जुड़ी हुई हैं, इनका BUMS हैं और गायनी की समस्त समस्याओं को देखती हैं और 100% कामयाब है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। बद्री सर्राफ सुधीर केसरवानी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी भारतवर्ष के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना और लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आज भारतवर्ष अपनी आज़ादी का की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खराजे अकीदत पेश करते हुए हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को और सबको अपनी तरफ से इस 75वीं वर्षगांठ की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी देश एवं प्रदेश वासियों को महापर्व 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व हमें याद दिलाता है 75 वर्ष पहले हमारा जो देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसकी याद दिलाता है। स्वतंत्रता सेनानी जैसे बिस्मिल जी रहे हैं, भगत सिंह जी रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं, गांधी जी रहे हैं, लाला लाजपत राय जी रहे हैं, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। 15 अगस्त हमें सिखाता है कि हम सभी को संयम, आत्मविश्वास और निर्भर रहना चाहिए। 15 अगस्त पर हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम देश से गरीबी को मिटाएंगे, स्वच्छता अभियान को चलाएंगे, एक दूसरे में भाईचारा रखेंगे। कहा जाता है ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश
में युवा जो है, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में लगभग करीब 60-62 मेडल आए, जिसमें से करीब 21 हमारे गोल्ड मेडल लेके आए खिलाड़ी। तो हम चाहते हैं हमारा जो युवा वर्ग है खेल के प्रति ज्यादा रुचि रखे, बाकी कंपैरिजन में खेल के प्रति ज्यादा रुचि रखना चाहिए। तो मैं यही देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस रुचि में रहिए कि जिससे देश का नाम बढ़ सके और आप आगे बढ़ सके, परिवार आगे बढ़ सके, सनातन धर्म आगे बढ़ सके, एक दूसरे से अंदर भाईचारा बढ़ सके। धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर, क्लासिकल होम्योपैथ संवेदना होम्योपैथी क्लिनिक। आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त आज़ादी का पर्व होता है, तो अब हम आज़ाद हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर हमें अभी भी बहुत सारी बीमारियों से आज़ाद होना है। तो इस पावन पर्व पर मैं आप लोगों को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। होम्योपैथी अपनाएँ और अपने आप को बीमारियों से भी आज़ाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों। पशु किसान संघ के समस्त सदस्य इस उद्देश्य के तरफ अहर्निश सेवा दे रहे हैं और पशु स्वास्थ्य के माध्यम से मानव के स्वस्थ रहने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। स्वस्थ पशु ही स्वस्थ मानव और स्वस्थ मानवता का आधार है, यही मेरा आज के दिवस में संदेश है। देवेंद्र कुमार दुबे, डेली बाज़ार रिंग रोड टेढ़ी पुलिया का प्रबंधक संचालक हूं। मैं डेली बाज़ार परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को एवं सम्मानित ग्राहकों को रक्षाबंधन एवं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव, सेक्टर 9 का निवासी हूं। मैं इस्माइलगंज वार्ड प्रथम से चुनाव भी लड़ रहा हूं। पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं काफ़ी सक्रिय हूं।
और आम आदमी पार्टी ने मुझको कहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें और आपको सीट निकालनी है, चाहे जैसे ही निकालनी पड़े हमें निकालनी है, और मैं यह झोली में मैं निश्चित देख के रहूँ। मैं कहता हूँ कि आप मनाइए, सबके घर पे तो तिरंगा झंडा का उद्घोष तो होगा कि नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि ठीक है, चाहे आज हमने किया चाहे आज नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। मैं मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और जय हिंद जय भारत। Hello everyone, my name is Nazia Rizvi. I'm founder of Blossom Tea, a startup based out of Lucknow. On this 75th Independence Day, I would like to congratulate each one of us, all the Indians. Since independence, India has progressed in leaps and bounds in all these sectors like education, healthcare, be it technology, startup. India has become the fourth largest country by forex reserve. India has the largest number of startups, like 72,000 around. We have the maximum number of unicorns, 105 unicorns by 2022. And we should all strive to become economically stronger, and we should all strive to become the 5 trillion economy, which is the vision of our Prime Minister Narendra Modi. So once again, I would like to congratulate everyone. Thank you so much. Jai Hind. फैजुद्दीन सिद्दीकी, आज़ादी के 75 वर्ष पे पूरे भारतवर्ष को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ कि हम सब मिलकर एकजुट होकर आज़ादी का इस पवित्र त्यौहार मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत शब्द जो में ही जुड़ा हुआ है कि हम कैसे मथा जाए और कैसे उसको निचोड़ा जाए। तो हमारे पुराने आज़ादी से लड़े हुए लोग शहीद, कितने लोग शहीद हुए, उन्होंने जो मत के दिया हुआ है, जो अमृत हमें मिला है आज़ादी के बाद, इसको संजो के संभाल के रखना है। जो प्रोग्राम चल रहा है 15 अगस्त की, पुनः मैं सबको जो है बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जय हिंद जय भारत, जय भारत जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। मोहम्मद इखलाक, बसपा नेता, मेरी व मेरी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश व देश की आवाम को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी देशवासी हमारे इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाएं।
राजकुमार श्रीवास्तव MD SS ऑफिस फर्नीचर के तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। मैं ऋषु सिंह संवेदना हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूं। मेरे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा हॉस्पिटल सेक्टर 6 गोमती नगर विस्तार में स्थित है। मैं अपने पूरे हॉस्पिटल परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं शरद देवरा, प्रोपराइटर देवरा इलेक्ट्रिकल्स, अपने तथा अपने सभी कर्मचारी साथियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के इस 75वें अमृत महोत्सव की सभी देशवासियों तथा प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं तथा आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय भारत, जय हिंद। मैं अपने सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं। मैं सनी फराज, गोल्डन सुपर टिकट का डायरेक्टर हूं और हमारे चाय के पैकेट भी निकलते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोग को आज़ादी मिली है ये आसानी से हम लोग को नहीं मिली है। इसमें हम लोग हज़ारों देशवासियों का खून इसमें शामिल है और हज़ार हमारे वीरों का इसमें खून इस माटी में मिला हुआ है। तो इसका आप लोग आदर करें। और जो हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम उन वीरों को सलाम करना चाहते हैं जो जिन्होंने जो शहीद हुए और जिनकी वजह से आज हम लोग एक यानी स्वतंत्र एक 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 फ्री लाइफ हम लोग जो गुजार रहे हैं, ये सब उन्हीं लोग की देन है। वरना आज भी हम वो गुलाम होते और वही हम लोग पे क्या कहते हैं टॉर्चर हम लोग पे चल रहा होता। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं और मेरी फैमिली और मेरे बच्चे रात में चैन से सोते हैं। अगर वो ना होते तो हम लोग 2 मिनट भी चैन से सो नहीं सकते थे। तो बस यही है कि उन देशवासियों को मैं सैल्यूट करता हूँ और अपनी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ। और हमेशा मुल्क से हमेशा वफा कीजिए और मुल्क के प्रति हमेशा वफादार रहिए। यही मेरा संदेश आप लोगों को।
मैं सरबजीत राजपूत, जनसेवा केंद्र एवं माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक लखनऊ की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरबजीत राजपूत, जनसेवा केंद्र एवं माँ पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक लखनऊ की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। अमृत महोत्सव इस बार पूरे मनोयोग से और पूरे जोशों खरोश के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ध्वज फहराने का जो सबसे आह्वान किया है वो अपने आप में स्तुत्य है, सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि इसने पूरे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान जो है एक बार फिर से जागृत किया है। आज पूरा देश तिरंगे के साथ खड़ा है। सभी लोग इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं और ये हमारे राष्ट्रवाद का, हमारे राष्ट्रीयता का एक तरीके से प्रतीक है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी के मुखिया ने इसको इस प्रकार से इस बनाने का जो निश्चय किया। मैं 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, जनपद वासियों को बधाई देता हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष हमने सक्षल बिताए हैं। लेकिन जो आगामी समय इस बात का हमको कर्तव्य बोध कराता है कि हम आने वाले समय में किसी न किसी रूप में समाज और देश की, समाज और राष्ट्र की सेवा में तल्लीन रहें और हमारे अंदर राष्ट्र की भावना और ज़्यादा प्रबल हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर से एक बार सबको मुबारकबाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुबोध श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता क्या होती है? देखिए, हम लोगों ने 1947 में स्वतंत्रता भले ही प्राप्त कर ली हो, पर मेरे नज़रिए में स्वतंत्र हम लोग आज तक नहीं हो पाए। स्वतंत्रता हमको चाहिए भ्रष्टाचार से, स्वतंत्रता हमको चाहिए अपराध से, स्वतंत्रता हमको चाहिए आर्थिक रूप से, और आज तक हम इन तीनों रूपों में आज़ाद नहीं हो पाए हैं। आज भी हमारे देश के लोग भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध
और आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही हैं। संस्था ने एक छोटा सा प्रयास किया है इस देश को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस देश को अपराध मुक्त करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि अपराध रोकने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है शासन द्वारा, हमारे देश के संविधान द्वारा, वो पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि जब तक आम आदमी, आम नागरिक अपराध रोकने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाना नामुमकिन है मेरे हिसाब से। तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।